हेलो फ्रेंड्स, किरण सेकंड टेस्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे वीडियो के नीचे दिए रेड बटन सब्सक्राइब को दबाएं। आइए फ्रेंड्स, आज हम देख लेते हैं एक छोटा सा वीडियो जो कि मैं लेकर आई हूं आपके पास, एक मल्टी यूटिलिटी रैक के बारे में। ये मल्टी यूटिलिटी रैक का मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको मंगाया हुआ है अमेजोन से, ये मेरे पास आज आ गया है, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। देखिए, हम इसको बाउल के हैंडल की तरह, ट्रे की तरह यूज़ कर सकते हैं। जब हम माइक्रोवेव में बाउल को रखते हैं वो गर्म हो जाता है, उठाना मुश्किल होता है, तो हम इस तरह से अगर उसको रखेंगे तो एज ए हैंडल हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और हम इसको यूज़ कर पाएंगे माइक्रो मोड पर सेफली, बिल्कुल कोई रिस्क नहीं। जैसे हमारे पास स्टील के वायर रैक होते हैं जो माइक्रोवेव के साथ मिलते हैं, ग्रिलिंग रैक, उनको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसके ऊपर हम क्रस्टी प्लेट को आसानी से रख कर कॉम्बी मोड में भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ, माइक्रो प्लस ग्रिल में हम इसको यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई स्पार्क नहीं होगा। जब हम रैक के ऊपर रखेंगे अपने क्रस्टी प्लेट और ऊपर से हीटिंग एलिमेंट्स जो हैं हीट देंगे, तो हमारी चीज़ बहुत आसानी से बन पाएगी, कोई शॉर्ट वगैरह उसमें नहीं होगा। अब देखिए, जिस तरह से हमने ये रखना है बाउल के अंदर, जब हम इसको उठाते हैं गर्म होता है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से रखते हैं इस ट्रे को रैक के ऊपर, एज ए इसको ट्रे बना लें, एज ए हैंडल ऑफ द बाउल बना लें, बाउल के हैंडल की तरह ये यूज़ होंगे। और जब हम इसको निकालेंगे तो इस तरह से हैंडल पकड़कर बाउल को बाहर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये बन गए हमारे बाउल के हैंडल। अब हम इसको दूसरा यूज़ कैसे कर सकते हैं? हम इसमें मल्टी स्टेज कुकिंग कर सकते हैं, यानी कि टू आइटम्स एक बार में कुक कर सकते हैं। बड़े बाउल में नीचे हम रख देते हैं चावल बॉयल करने के लिए, और दूसरे बाउल में मान लीजिए हमने रख दिया है गरम करने के लिए कोई दाल रख सकते हैं, या फिर हम इसमें कोई मसाला वगैरह तैयार कर सकते हैं इतनी देर में। टमाटर प्याज का मसाला आप इसमें रख दीजिए, वो भी इतनी देर में तैयार हो जाएगा। चावल बनने को 7 से 8 मिनट का समय लगता है, सेम टाइम लगता है मसाला बनने में, तो आपके दो काम एक बार में हो जाएंगे। ये जो हमारा रैक है ये एक लिड का काम भी करेगा, स्टीमर का काम करेगा, यानी कि जो स्टीम नीचे चावल के लिए उसमें बनेगी बाउल में, बहुत आसानी से चावल भी बन जाएंगे। इसको फोल्ड करके आप आसानी से कहीं भी रख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा सा है, छोटा सा है बिल्कुल, बहुत ही सुंदर लग रहा है, कलर भी बड़ा प्यारा है और बहुत ही चीप है फ्रेंड्स, सस्ता भी बहुत है। आप इसको जब चाहें अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगी, आप इसे परचेज कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद आ जाए। आई थिंक ये आप सबको पसंद आना चाहिए, क्योंकि आपको कॉम्बी मोड में जब माइक्रो और ग्रिल में हम यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी हमें तब आती है, क्योंकि हमें रैक यूज़ करना पड़ता है। ग्रिल में जो ऊपर हीटिंग एलिमेंट्स चलते हैं, हमें ज़रूरत होती है कि कोई भी चीज़ जो हम बना रहे हैं उसको हमने ऊपर से सेकना है, ग्रिल करना है, तो वो नीचे रखें तो उसमें हीट नहीं लगती है। जब हम इस रैक के ऊपर रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर से उसमें हीट अच्छे से लगेगी और बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगी। मान लीजिए हम तंदूरी चाप बना रहे हैं, तो क्रस्टी प्लेट को इस रैक के ऊपर रखेंगे और ऊपर से उसमें कॉम्बी मोड को हम यूज़ करते हुए बड़े अच्छे से बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही यूज़फुल लग रहा है मुझे, हम इसको यूज़ करेंगे और आगे देखें। मेरे व्यूअर्स जो मेरा करेले वाला वीडियो देखते हैं जिसको मैंने कॉम्बी मोड पर बनाया हुआ है, उसमें मैंने यूज़ किया था वायर रैक, उसके ऊपर रखी थी क्रस्टी प्लेट, तो वो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये स्पार्क नहीं करेगा या हम स्टील के रैक इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये रैक उनके लिए फ्रेंड्स उसका सॉल्यूशन है, आप इस रैक को यूज़ कर सकते हैं कॉम्बी मोड में आसानी से। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो।